हाय गाइस, सभी को ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बिगोनिया की एक वैरायटी है। अब नर्सरीज में या प्लांट वर्ल्ड में बिगोनिया कई वैरायटीज़ के आते हैं, पर हमारे यहाँ जो पॉपुलर है वो वैक्स बिगोनिया है। ये एक न्यू केन बिगोनिया है और दूसरा जो तीसरा जो आता है वो है रेक्स बिगोनिया, और ट्यूबर बिगोनिया भी एक आता है जिसको कंद के माध्यम से लगाया जाता है। तो ये जो प्लांट मेरे सामने रखा हुआ है, ये एंजल विंग बिगोनिया के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियों का आकार जो होता है ये पंख के जैसा होता है, आप देख रहे हैं। और बेसिकली इनको इनकी ब्यूटीफुल कलरफुल लीव्स के लिए ग्रो किया जाता है। मेरे सामने ये जो आप दो प्लांट देख रहे हैं, इसमें जब मैं लेकर आई थी तो ग्रे और पिंक डॉट्स थे, जो डायरेक्ट सनलाइट ना मिलने की वजह से या फेवरेबल क्लाइमेट ना होने की वजह से ग्रीन और ग्रे में चेंज हो गए हैं। और साइड में जो बड़ा वाला आप देख रहे हैं केन बिगोनिया, उसकी पत्तियां जो हैं उसमें डॉट्स और सिल्वर सिल्वर कलर की डॉट्स और लाइन जो आपको दिख रही होंगी। ये जो प्लांट है ये अपने जब इनको ग्रोइंग मीडियम बहुत अच्छा मिलता है, क्लाइमेट भी इनके अकॉर्डिंग मिलता है, वैसे वार्मर क्लाइमेट में होते हैं ये, बहुत तेज़ धूप या बहुत तेज़ ठंड में ये ग्रो नहीं कर पाते। इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में होने वाले ये प्लांट हैं, आप इन्हें इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं या ऐसी जगह इनको लगा सकते हैं जहाँ दिन भर की इनडायरेक्ट लाइट इनको मिलती रहे। इनको बुशी बनाने के लिए इनकी ऊपर की टिप जो है वो स्निप ऑफ कर देनी पड़ती है या उसको पिंच करके हटा देना पड़ता है, जिसकी वजह से नीचे से और नई टहनियाँ जो है वो ग्रो हो जाती हैं। ये जो प्लांट है जब अपनी पूरी ग्रोथ लेता है तो उस दौरान ये 36 इंचेस तक ये जाता है टॉल, तो उस समय ज़रूरी है कि ये जो लंबी लंबी केन्स दिख रही हैं इनको हम थोड़ा सा सपोर्ट दें। यदि आप अपने प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं तो हर ब्लूमिंग सीजन फिनिश होने के बाद में इसको आप कटिंग से प्रोपोगेट कर दें, जिससे नए शूट्स निकलेंगी और आपका प्लांट जो है ये बुशी हो जाएगा। वैसे तो इनको इनके लिए बोला जाता है कि इनको हाई फॉस्फोरस वाला केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहिए, पर मैं आपसे बोलूँगी कि आप बेस्ट है कि आप ऑर्गेनिक सीवीड एक्सट्रैक्ट वाला या जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर पर बनाते हैं वो आप हफ्ते में एक बार या दो हफ्तों में एक बार अपने प्लांट को ज़रूर दें। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंड गिर जाता है उस दौरान जो है ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, उस दौरान जो है इनको किसी भी प्रकार की फीडिंग जो है आप बंद कर दें। जैसे ही टेम्परेचर में धीरे धीरे गर्माहट आती है उस दौरान इनमें फ्लावरिंग होती है, तो ये जो प्लांट है जब फ्लावरिंग होती उस दौरान जो है आप इनको रिपॉटिंग ना करें। ये रूट बाउंड होना पसंद करते हैं, तो जब भी कभी आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाए तो आप जब ब्लूम फिनिश हो जाए उसके बाद में इसे 1 से 2 इंच बड़े पॉट में लगा दीजिए। नई पॉटिंग सॉइल बनाते समय आप हमेशा याद रखें कि इसको लगाने के लिए सैंड और कंपोस्ट की मात्रा बराबर लें, उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा आप गार्डन सॉइल कर लें और थोड़ा सा हिस्सा कोकोपीट कर लें, जिससे वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल आपकी बनके तैयार हो जाएगी। पानी अपने पौधे को तभी दें आप जब ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है वो कम से कम 1 से 2 इंच तक वो ड्राई हो जाए, और ज़रूरत से ज़्यादा जब आप पानी देते हैं तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम देखी जाती है। जब आप इसमें ग्रोथ देखें उस दौरान आप समझ लें कि इनका ग्रोइंग सीजन स्टार्ट हो गया है, उस समय आप इसकी 1-6 इंच की कटिंग लेकर और एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगा दीजिए, और उस सॉइल में ध्यान रखिए कि थोड़ी सी वार्मथ और वो सॉइल में थोड़ी सी मॉइस्चर बनी रहे। जब ऊपर से ग्रोथ आपकी बढ़ने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी कटिंग जो है वो लग के तैयार। पत्तियों पर जब भी कभी धूल जम जाए तो इनको आप समय समय पर पोंछते रहें या फिर जो है पानी की बौछार से आप इन्हें धो लें। इन्हें आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, साथ ही ऐसी जगह भी आप इन्हें रख सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट ब्राइट सनलाइट ना आती हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों का हेल्पफुल साबित होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ में अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने गार्डनिंग को एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।